Hello everyone, welcome to Maluka IAS. My name is Suraj. So recently Prime Minister Modi has visited to Singapore और वहां जाके उन्होंने कुछ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है, तो आइए जानते हैं इस पूरे इशू को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द Maluka IAS आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज फॉर 2025 मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं, 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के. ये टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है, साथ में हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी. बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें. राइट, सो नेक्स्ट इज बेसिकली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली विजिट किया है सिंगापुर का, और ये सिंगापुर का विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफी बातचीत हुई है. अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो एक तरह से एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का होता है. ठीक है, बेसिकली आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन डिवाइसेस में लाइक स्मार्ट वॉच, ठीक है, टेलीविजन, स्मार्ट टीवी, या फिर कोई भी मिसाइल अगर हम देखें तो मिसाइल के अंदर भी आजकल सर्किट्स लगे होते हैं. उस सर्किट से वो पूरी मिसाइल प्रोग्राम होती है, और जो अलग अलग उसमें सर्किट्स के अंदर कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. ये सेमीकंडक्टर्स से हम बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिकल फ्लो है उसको हम कंट्रोल करते हैं. तो उसको जब कंट्रोल करने की बात आती है तो सेमीकंडक्टर एक बहुत ही अच्छा डिवाइस माना जाता है उस चीज के लिए. ज्यादातर अगर आप देखोगे तो भारत में सेमीकंडक्टर्स का कोई प्रॉपर ऐसा बेस नहीं मिलता. ज्यादातर इसमें ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया का बहुत मैसिव अमाउंट में सेमीकंडक्टर्स को होल्ड करती है. इसके साथ में चाइना भी काफी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है. बट अभी रिसेंटली ये देखने को मिला है कि जो चाइना का एग्रेशन है ताइवान की तरफ को, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि जो सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री है जो दुनिया में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसमें कोविड-19 में भी ये देखने को मिला था कि सप्लाई चेन्स पूरी तरह से डिस्टर्ब हुई थी, जिस वजह से लोकल जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं जिनको सेमीकंडक्टर्स बाहर से जो इंपोर्ट करती थी, उनको काफी दिक्कत हुई थी अपने डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो इसीलिए भारत ये चाहता है कि भारत के अंदर भी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस बनाने के लिए जो भी आजकल जो भी मॉडर्न सिस्टम्स आते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी कोई फैसिलिटी इंडिया में ही डेवलप की जाए, यहाँ बनाई जाए. राइट, तो इसके लिए सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर दुनिया में 10% के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग बेस माना जाता है सेमीकंडक्टर्स का, और ये बेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इनिशियल टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए. तो उसके लिए अभी सिंगापुर में ये बात हुई है, बहुत ही सिग्निफिकेंट ये इंडिया के बेसिस पे देखने को मिलता है. अभी सिंगापुर हमारे लिए एक तरह से अगर देखें तो ग्रेट जियो पॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इकोनॉमिक से एक इम्पोर्टेंट कंट्री बनता है. तो ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. राइट, तो पहले वीक में ही सितंबर में पहले ब्रुनई और दूसरा सिंगापुर के अंदर ये विजिट देखने को मिला है. ब्रुनई में फर्स्ट विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, और सिंगापुर में ये 6th विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है. राइट, सो सबसे पहले न्यूज में यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया सिंगापुर, और इसके साथ में अगर देखा जाए तो दूसरा जो है वो ब्रुनई के अंदर भी इनका विजिट रहा है. और इसमें इंडिया सिंगापुर रिलेशंस अगर देखें तो रिलेशंस काफी पुराने रिलेशंस हैं, और इसमें ये एक हिस्टोरिकल रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं. और ये सारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये हिंदू बुद्धिस्ट कम्युनिटी और किंगडम के बेसिस पर देखने को मिलेंगे. राइट, तो हिंदूज अगर आप देखोगे जैसे इंडिया में, दैट इज बेसिकली द हिंदूज, और यहीं से ही जो बुद्धिस्ट है, ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म है उसका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है. तो यहाँ से जो बुद्धिज्म है वो ये फिलॉसफी बाहर के देशों में गई, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में हो, उसमें सिंगापुर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है. तो हम लोग एक कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दूसरे के साथ वैसे भी जुड़ जाते हैं. और वैसे अगर एक फॉर्मल स्टेट का देखा जाए तो भारत फॉर्मल स्टेट बन गया था 1947 में. तो इंडिया का सिंगापुर के साथ में जो फॉर्मल एसोसिएशन रहा है वो 1965 में जुड़ गया था, और भारत उन कंट्रीज में से एक है जिसने सबसे पहले सिंगापुर को पहचान दी थी, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया था, तो काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें आप ये भी देखते हैं कि काफी साल हो चुके हैं भारत के सिंगापुर के रिलेशन के साथ में। तो हम लोग 2015 में हमने और 2018 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किया है। अब सिंगापुर अगर आप देखोगे काफी इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इकोनॉमिक या फाइनेंस सेक्टर के अंदर, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो प्लानिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जो सिंगापुर के अंदर सिटी है बेसिकली वो पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो उसी चीज में जो हमने यहाँ पे इनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है, और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं अपने टाइज को, अपने रिलेशंस को और डीपन करने की, जिससे हम एक साथ जो है वो आगे बढ़ सके। राइट, सिंगापुर हमेशा से भारत का सपोर्टर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो अभी 15 मेंबर की बॉडी है ये, काफी ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस माना जाता है दुनिया में, और इसमें जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं वो परमानेंट P5 कंट्रीज यानी उनको परमानेंट सीट कहा जाता है, जैसे कि उसमें रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और साथ में यूके और USA है। बट इंडिया जो है वो पीछे बेसिकली एक नॉन परमानेंट मेंबर की कमेटी में भी सिलेक्ट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो एक बेसिकली रोटेट होती रहती हैं कंट्रीज। तो यहाँ पे ये कहा जाता है सिंगापुर की तरफ से कि भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ी इकोनॉमी है, इनकी पॉपुलेशन ही 142 करोड़ के आसपास की है, तो भारत को भी एक परमानेंट काउंसिल के अंदर जो है इसमें लाया जाना चाहिए। अब सिंगापुर का एक बार मैप में देख लेते हैं, सिंगापुर कहाँ पे है। तो सिंगापुर सिंपली अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो दिस इज लोकेटेड इन दी साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे ये सिंगापुर का एरिया। सिंगापुर इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फॉर इंडिया बिकॉज इस एरिया में हमारे पास अपने आइलैंड्स हैं, एंड दीज आइलैंड्स आर बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें 72,000 करोड़ रुपीज का यहाँ पे ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड है यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक बड़ा शिपमेंट सेंटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप और इसके साथ में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दुनिया का एक मेजर रूट भी है जो यहाँ पे एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बेसिकली एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है जिसको चोक किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। सो बेसिकली दिस एरिया इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऐसा बताते हैं कि चाइना का ऑलमोस्ट 60% ट्रेड यहाँ से चलता है। उसको जो पेट्रोलियम की जरूरत है जो बाहर से आती है या फिर उसका जो एक्सपोर्ट्स भी चलते हैं तो वो इस एरिया से जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एरिया, राइट। तो इसमें यहाँ पे सिंगापुर का होना भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे दिस इज द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी जो पूरी तरह से चाइना उसको कहता है कि मेरा एरिया है, मेरी टेरिटरी है, और वहां के आसपास की कंट्रीज के लिए वो काफी सिरदर्द बना हुआ है। जैसे यहीं साथ में आपको फिलीपींस मिलेगा। तो फिलीपींस बहुत छोटे 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 आर्कीपिलैगोस है। ये आर्कीपिलैगोस का मतलब होता है दे आर द ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। तो इसमें कई बार न्यूज़पेपर्स में ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जो चाइनीज वेसल्स होती हैं वो फिलीपींस की वेसल्स हैं, उन पे जाकर के वो वाटर कैनन से अटैक करते हैं और उनको कोशिश करती हैं, उनको फोर्सफुली वहां से उस एरिया से निकालने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से फिलीपींस भी यहाँ से उनसे चाइना से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। वही हाल जो है ऊपर आपको यहाँ पे जो इंडो चाइना पेनिनसुला वाली कंट्रीज हैं उनके साथ भी देखने को मिलेगा। तो सिंगापुर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है हमारे लिए जो कल को इस एरिया में हमारा भी एक अपना रोल डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, राइट। सो दिस इज द सिंगापुर एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर चले तो इंडिया सिंगापुर के बीच में जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें स्पेसिफिकली रिलेशनशिप काफी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, जिसमें सबसे पहला अगर सेक्टर अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देखोगे तो दैट इज बेसिकली दी इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक। और सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आता है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है। भारत के अंदर अगर पैसा आएगा और टेक्नोलॉजी आएगी तो यहाँ पे नई कंपनीज और नई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सेटअप होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें काफी बड़े अमाउंट में हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। इसके साथ सिंगापुर एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसके साथ में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया। सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो दिस इज बेसिकली द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने सिंगापुर के साथ साइन किया है और जिसको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। सो बेसिकली हमारे स्ट्रॉन्ग टाइज को दिखाता है, एक दूसरे कंट्री पे जो भरोसा है, ठीक है, उसको दिखा रहा है। इसके साथ में भारत में कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे नई सिटीज बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर भी लाइक सिंगापुर के अंदर जो प्लानर्स हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनका अर्बन सिस्टम अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सिटीज डेवलप की जा रही हैं तो उसमें कुछ सिंगापुर के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती है। तो इसमें जो स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इससे एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हमारा स्टेट के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। तो कंट्री के बीच में तो है लेकिन साथ में स्टेट के लेवल पे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा, दोनों कंट्रीज आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए टूरिज्म को भी काफी ज्यादा फोर्स कर रही है कि टूरिज्म भी काफी हो, लोग एक दूसरे को, कल्चर को जाने, ठीक है, एक दूसरे की कंट्रीज में घूमने आए, तो जिससे क्या होगा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो और ज्यादा हमारे जो रिलेशंस हैं वो रियलिटी में देखने को मिलेंगे। तो सिंगापुर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारे यहाँ पे देता है, इन्वेस्ट भी करता है यहाँ पे रोड, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए, स्मार्ट सिटीज में, अर्बन सेंटर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, पोर्ट्स। अब पोर्ट्स के केस में अगर देखो तो भारत में हम लोग सागरमाला स्कीम चला रहे हैं, जिस सागरमाला स्कीम के अंदर हम नए नए पोर्ट्स, बड़े पोर्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, मेगा पोर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो सिंगापुर एक बड़ा ऐसा कंट्री है जो बड़े स्केल के ऊपर एक्सपोर्ट भी करता है और यहाँ पे ये ज्यादातर बड़े बड़े शिप्स को भी कंस्ट्रक्ट करता है, तो शिपयार्ड्स यहाँ पे है और ये मैरीटाइम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो सिंगापुर हमें काफी हेल्प कर सकता है लॉजिस्टिक में, एविएशन में और इंडस्ट्रियल पार्क्स में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड हमारा कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों देश काफी ज्यादा एक दूसरे से सामान भी खरीदते हैं और सिंगापुर एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर आप देखें तो एशियान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो सिंगापुर की ज्यादातर स्ट्रेंथ हमारी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी अभी भारत को काफी रिक्वायरमेंट भी है, राइट। तो स्ट्रेटेजिकली इंडो पैसिफिक का जो टोटल एरिया है जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सिंगापुर हमारा एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। तो दोनों देश ये चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक का एरिया है यहाँ पर पीस मेंटेन रहे और एक रूल बेस्ड ऑर्डर रहे। तो इसके लिए इंडिया और सिंगापुर आपस में कई सारी मैरिटाइम एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें से आपने सिम्बेक्स का नाम सुना होगा, जो कि एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर की नेवीज के बीच में, राइट। उसके साथ भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिंगापुर यहाँ पे बन जाता है और जिसको हम बेसिकली बना रहे हैं ग्लोबल एशिया स्ट्रेटजी, राइट। सो इंडिया सिंगापुर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, स्मार्ट सिटीज, लॉजिस्टिक हब्स। सो ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे भारत को हम एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बना रहे हैं, तो इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में हम यहाँ पे नई रेलवे लाइंस, रोडवेज और उन्हीं के साथ में बिल्कुल स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंगापुर एक हमें बहुत एडवाइजरी और काफी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है कि इम्पोर्टेंट रोल अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कनेक्टिविटी चैलेंजेस में देखने को मिल सकता है। दूसरा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो सिंगापुर एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इस लोकेशन के जस्ट पास आप देखोगे तो एक दरवाजा इंडियन ओशन में खुलता है और दूसरा दरवाजा पैसिफिक ओशन में ओपन हो रहा है। तो इन दोनों एरियाज में चाइनीज का काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट है। अब इस एरिया में जो सिंगापुर है वो हमारे लिए एक ऐसा स्टेशन बन सकता है जिससे हम बेसिकली चेक रख सकते हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन पे भी, राइट। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो सिंगापुर है वो एक तरह से इंडिया और सिंगापुर दोनों बार बार ये अलग अलग मंच पे कहते रहते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कि इंडिया और जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन, इसमें एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन, ठीक है, और एक पूरा पैसिफिक मेंटेन, पीस मेंटेन रहे। ठीक है, और प्रॉपरली जो पीस है ये पूरे इस पूरे एरिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो ये दोनों कंट्रीज आपस में कई सारी नेवल एक्सरसाइजेस करती है। नेवल एक्सरसाइज जैसे सिम्बेक्स का नाम आपने सुना होगा, वैसे एयरफोर्स की भी है, ठीक है, सिंडेक्स, एंड आर्मी भी यहाँ पे क्या करती है आपस में ये कोलैबोरेट करती है। तो इनका कोलैबोरेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बेसिस पे भी और यहाँ कैपेबिलिटीज के बेसिस पे भी, राइट। सो नेक्स्ट इज द इंडियाज़ पुश फॉर द चिप। अब देखो सेमीकंडक्टर तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो सेमीकंडक्टर हम भी चाहते हैं कि भारत में हम सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज को डेवलप करें। सिंगापुर दुनिया में अगर आप देखोगे तो ये 10% के आसपास का सेमीकंडक्टर यहाँ पे प्रोडक्शन करता है, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, इनिशियल टेक्नोलॉजी उस सेमीकंडक्टर्स के लिए चाहिए वो इसके पास है, ठीक है। तो ये अगर हमें हेल्प करता है तो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक वैल्यू है वो काफी ज्यादा एक तरह से होल्ड होगी, बढ़ेगी सिंगापुर के साथ में। और जो क्रूशियल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स हैं, मिसाइल्स हैं जिनके लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, तो वो हमें इजीली अवेलेबल होंगे इस पूरे मूव्स के थ्रू, राइट। सो नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियाज़ पुश फॉर द चिप। तो इंडिया ने इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के साथ में 76,000 करोड़ रुपीज का इंसेंटिव स्कीम्स है जिसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए। तो इन प्लांट्स की कैबिनेट अप्रूवल जो है वो मिल गई है। अब इनको धीरे धीरे आप देखोगे छोटी छोटी ऐसी कंपनीज हैं जो भारत के अंदर प्लांट्स लगाना स्टार्ट करेगी। वैसे गुजरात में काफी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं जो चाहती हैं कि गुजरात में प्लांट्स लगाए जाए और वहां से भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, फैब्रिकेशन का मतलब होता है जो लेयर बाय लेयर हम लोग कोटिंग करते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो उस पूरी इनिशियल टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज किया जा सके, राइट। तो इसने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को यहाँ पे। तो सिंगापुर जो है वो बेसिकली एक अच्छा वेल डेवलप्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्टेम सेल की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। और इसके साथ में हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सब्सिक्वेंटली सिंगापुर जो है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड से इसने बेसिकली टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंड नेशनल सेमीकंडक्टर्स इन एस्टैब्लिशिंग असेंबली फैसिलिटी इन द सिटी स्टेट्स देखने को मिला, ठीक है। तो सिंगापुर अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है 10% ऑफ द ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट्स पूरी दुनिया के अंदर। और वेफर फैब्रिकेशन कैपेसिटी जिसमें स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर जो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें काम चल रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे जो सेक्टर के जो कवरेज एरियाज हैं जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइंस, ठीक है, बनाए जाएंगे। सर्किट डिजाइंस मतलब बेसिकली आजकल ऐसी चिप्स आती हैं, उसी चिप्स के ऊपर हम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे सर्किट डिजाइन करते हैं और इसमें ही ये माइक्रो प्रोसेसर, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे लगे होते हैं जहाँ पे पूरे सिग्नल्स यहाँ पे ये कंट्रोल्ड वे में चलते हैं। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इनका मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादातर ये रोबोट्स करते हैं, रोबोट्स के थ्रू किया जाता है। असेंबली, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग ये इंपॉर्टेंट होता है। वेफर फैब्रिकेशन एंड द इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में सिंगापुर एक तरह से हेल्प कर सकता है भारत की, राइट। इकोनॉमिक इम्बैलेंस तो एक चैलेंज अगर आप देखोगे भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट अभी काफी ज्यादा कम है। रेगुलेटरी बैरियर्स में दोनों कंट्रीज को आपस में कैसा कोलैबोरेशन बनाना है जिस कोलैबोरेशन के बेसिस पे दोनों में, ठीक है, जो भी बैरियर्स हैं बैरियर्स को कम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड दोनों के बीच में बढ़े और उससे हमारे इकोनॉमिक टाइज और स्ट्रांग हो सकते हैं। कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग फिजिकल और डिजिटल तरीके से कनेक्टिविटी करें। डिजिटल कनेक्टिविटी में हमारा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको जोड़ दिया गया है सिंगापुर के साथ में, जिसमें बाहर जो हमारे लोग रहते हैं सिंगापुर के अंदर वो भारत में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो बड़ी इजीली जो है वो यूपीआई के थ्रू की जा सकती है, राइट। कल्चरल डिफरेंसेस में पीपल का जितना एक्सचेंज बढ़ाएंगे उस एक्सचेंज की वजह से हमारे और जो टाइज हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर इंडिया सिंगापुर एक रोबस्ट, ठीक है, रूम जो है वो प्रोवाइड करता है फर्दर डीपनिंग और एक्सपेंडिंग कोलैबोरेशंस के लिए। और रीजनल कंपटीशन अगर आप देखोगे तो ये कंपटीशन आज का नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि जो एशियन टाइगर्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता था कि इन्होंने एकदम से ग्रोथ रेट पकड़ा था। भारत उस टाइम पे, ठीक है, 2 से 3% ग्रोथ रेट पे चल रहा था जिसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता था, ठीक है, दुनिया हंसती थी इस चीज पे। लेकिन यही जो इस छोटे छोटे कंट्रीज थी, ये बहुत तेजी से इनकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से कंपटीशन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देता है, राइट। तो ये सारे कुछ हमारे यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट, डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ये चीजें बढ़ाई जा सकती है, रीजनल एंगेजमेंट कैसे हो सकता है। सो आज का ये आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज एग्जामिन द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर and discuss how their strategic partnership contribute to the regional stability, economic development, analyze the challenges and opportunities that both countries face in strengthening their relations, additionally evaluate the impacts of their collaboration on India's role in Asia, the region, its broader geopolitical strategy. तो आज के लिए आपको ये पूरा मंथली मैगजीन है, that is basically 29 रुपीस में अवेलेबल है, डायग्राम फ्लो चार्ट्स में अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।